से बुक्स पढ़ सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गॉडिस आर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको लेके आई हूँ न्यू एज लर्निंग सेंटर म्याओ, इसे शॉर्ट फॉर्म में NLC भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, NLC है क्या वो मैं आप सबको पहले बता देती हूँ। NLC एक लाइब्रेरी है और यहाँ पे एवरी सैटरडे एंड संडे यहाँ पे प्रोग्राम होती है बच्चों के लिए, जो कि वो हर फील्ड से रिलेटेड होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। और फ्रेंड्स, एक बात और है, यहाँ पे ओपन एरिया भी है पढ़ने के लिए, बुक्स लेके आप बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ कि यहाँ पे लाइब्रेरी है कैसी। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं। यहाँ पे स्पेशली आप नॉवेल्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारी है, हिंदी और इंग्लिश जो भी है, बहुत सारी यहाँ पे बुक्स रखी हुई है। और यहाँ पे ये बैठकर पढ़ने के लिए सिटिंग एरिया है। यहाँ पर नीचे बैठकर भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे चेयर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। हमारा NLC न्यू एज लर्निंग सेंटर म्याओ लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिडिल में, ये एक स्टेज के टाइप से बनाया गया है। यहाँ पे बीच में बच्चे जाके खड़े होके वो अपना कोई भी परफॉर्मेंस जो होता है वो करते हैं। इससे ये होता है कि जो बच्चों के अंदर जो डर रहती है, घबराहट रहती है लोगों के सामने इंटरफेस करने के लिए, वो डर वो ख़त्म हो जाता है इस वजह से। फ्रेंड्स, ये रहा UPSC का सेक्शन, ये जो है ये वाली, ये सारे ज्योग्राफी के लिए है। वहाँ पे जो CDS जनरल स्टडीज़ के जितने भी मटेरियल्स है सब वो ऊपर है। फिर इसके बाद ये रहा, ये भी अगेन ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, यहाँ देख सकते हैं आप इंडियन पॉलिटी, ये भी बुक है, ये भी हिस्ट्री के ही सेक्शन है। तो ये सारे जो है ये UPSC का सेक्शन रहा। और ये नीट के बहुत सारे बुक्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे ही बुक्स हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जो है फर्स्ट फ्लोर में जो NLC का पर्टिकुलर जो एक रूम है, यहाँ जितने भी एग्ज़ाम्स है UPSC से रिलेटेड या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और ये देखिए एकेडमिक एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये 10 ईयर्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स है, क्लास 10th के 12th के, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे भी आके जो भी बच्चे अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और ये रहा TV, जहाँ पे यहाँ पे होती स्क्रीनिंग और वीडियो स्क्रीनिंग जो भी होती है वो यहाँ पे होती है। तो कुल मिला के मैं ये कहना कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा है ये जो लाइब्रेरी है। फ्रेंड्स, देखिए ये रहा झूला, यहाँ पे मैं बैठ के बहुत ही आराम से बुक्स पढ़ सकती हूँ। और यहाँ देखिए मैं बैठी हुई हूँ, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रिलैक्स कर सकते हैं बैठ के। और इसे पकड़िए, बैठिए, पढ़िए, बहुत 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 मज़ा आता है। और फ्रेंड्स, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, ये जो हम जिस दरवाजे से एंटर किए थे वहाँ से जैसे बाहर निकलते हैं, तो ये देखिए ओपन एरिया है, ओपन स्टडी एरिया यहाँ पे नया बना है, बहुत खूबसूरत है। आप देख ये है ओपन एरिया,
बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पे चेयर्स और टेबल भी लगे हुए हैं और प्लांट्स भी यहाँ पे लगे हैं। यहाँ पे आप आराम से आसमान के नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी वीडियो एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो अगला ब्लॉग होगा वो यहाँ पे, ये जो NLC है उसे नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है और यहाँ पे वीडियोग्राफिंग हुई थी, तो मैं वही दिखाऊंगी कि यहाँ पे NLC में जो वीडियोग्राफिंग हुई थी वो कैसे हुई थी और क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।